आदि मानव की उत्पत्ति एवं विकास। पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति प्लाटोसीन युग के आरंभ से मानी गई है। इस समय में स्तनपायी प्राणी जैसे बंदर, हाथी, गाय का विकास आदि उत्पत्ति हुई थी। अधिकांश विद्वानों की माने तो आज से लाखों वर्ष पहले नर वानरों के रूप में मानव की उत्पत्ति हुई। पहले ये नर वानर वृक्षों पर रहते थे, लेकिन समय के साथ साथ ये नर वानर वृक्षों से उतरकर अपने पिछले पैरों पर चलने लगे और पृथ्वी के धरातल को अपना निवास स्थान बना लिया और इस तरह मानव कहलाए। आदि मानव अपने जीवन में खाना खोजने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे और पेड़ों के फल या जानवरों का शिकार करने अपना भोजन प्राप्त करते थे। आदि मानवों का जीवन खाद्य एवं शिकार करने पर निर्भर था। भारत में आदि मानवों द्वारा प्रयोग किए गए औजार प्राप्त किए गए हैं। आदि मानव जानवरों के शिकार या पेड़ों की पत्तियों के बने कपड़े पहनते थे। आदि मानव जंगलों में रहते थे, जहां उन्हें दो चीजों का डर बना रहता था, एक मौसम का और दूसरा जंगली जानवरों का। उस समय मानव काफी कमजोर था। वह बाघ, चीता, शेर आदि जंगली जानवरों का आसानी से शिकार हो जाता था, इसलिए इनसे बचने के लिए गुफाओं में छिपने लगे। कुछ समय बाद मानव ने आग की खोज की। यह एक संयोग था। दो पत्थर जब आपस में टकराए तो चिंगारी उत्पन्न हुई, पास रखी पत्तों पर जा गिरी, जिससे पत्तियों में आग लग गई। फिर इस आग का प्रयोग मानव अपने भोजन और जंगली जानवरों को भगाने के लिए करने लगा। जब आदि मानव रात को गुफा में इकट्ठा होते तो गुफा के बाहर आग जला लेते थे, जिससे जंगली जानवर द्वारा इनकी रक्षा होती थी। साथ ही आग का प्रयोग खाना पकाने एवं स्वयं को गर्मी देने के लिए प्रयोग करते थे। आगे चलकर पत्थरों के औजार बनाए। इसी काल को पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल, यह काल आखेटक के रूप में भी जाना जाता है। आदि मानव के हथियार चमकदार पत्थर के बने होते थे, क्योंकि इनकी तेज धार इन्हें और भी ज्यादा मजबूत बनाती थी और इन्हें अनेक आकार दिए जाते थे। इनके साथ साथ मानव हड्डियों के हथियार भी बनाया करते थे। इनमें मानव को अनेक लाभ मिले। वह पेड़ों की टहनियां काटने लगा, जमीन खोदने लगा, जानवरों को मांस को काटने का इसका प्रयोग करने लगा। आदि मानव को खाद्य उत्पादक बनने में लगभग 3 लाख वर्ष लग गए, परंतु खाद्य उत्पादक बनने के बाद मानव ने बड़ी तीव्रता से उन्नति की। मानव जैसे जैसे विकसित होते गए, वह अनेक खोजें करने लगा। इसके बाद उसने पशुपालन, धातुओं की खोज की, पहिए की खोज की, फसलों को उगाने का कार्य शुरू किया तथा अपने आप में बदलने की अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, आपको बता दें कि संसार का प्रथम पुरुष स्वाम्भो मनु को माना जाता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।